प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा भाजपा नेत्री व पूर्व मंत्री इमरती देवी को लेकर दिए गए विवादित बयान पर सियासत गर्मा गई है। भाजपा ने जीतू के बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसकी घोर आलोचना की है। तो वहीं दूसरी तरफ मामले को तूल पकड़ता देख पीसीसी चीफ जीतू पटवारी बैकफुट पर आ गए हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी पूर्व मंत्री इमरती देवी के बयान को लेकर काफी सुर्खियों में हैं। प्रियंका गांधी की सभा से लौटने के बाद जीतू ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा था कि इमरती देवी का रस खत्म हो गया है, जो अंदर चाशनी होती है उनके लिए अब मैं कुछ बात नहीं कर रहा। जीतू पटवारी का ये बयान जैसे ही वायरल हुआ मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई। देखो ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया, जो अंदर चाशनी होती है अब उनके लिए मैं कुछ बात नहीं कर। सत्ता पक्ष ने भी पीसीसी चीफ को घेरने के लिए किसी भी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी। जब जीतू की किरकिरी शुरू हुई तो वे अपने बयान से पलट गए। उन्होंने पहले तो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए अपने बयान पर सफाई दी, इसके बाद न्यूज एजेंसी को सफाई देते हुए कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर गलत संदर्भ में प्रस्तुत किया जा रहा है। मेरी मंशा सिर्फ सवाल के जवाब को टालने की थी। इमरती देवी मेरी बड़ी बहन जैसी हैं और बड़ी बहन माँ के समान होती है। अगर फिर भी किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ। सवाल को टालने की थी, उस संदर्भ में मैंने जो वक्तव्य दिया उसको तोड़ मरोड़ कर उसको गलत संदर्भ में प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं इमरती देवी जी का जहाँ तक सवाल है, बड़ी बहन है मेरी और चूंकि बड़ी बहन माँ जैसी होती है, तो मैं इतना ही कहूँगा कि मेरा संदर्भ सिर्फ इतना था कि सवाल कैसे टले और उसके अलावा इंटेंशन कुछ नहीं था। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई ऐसी भावना ठेस पहुँची हो किसी की भी, तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। ये किसी भी प्रकार से किसी भी संदर्भ में कोई नेगेटिविटी मेरे मन में भी नहीं थी, मेरे माइंड में भी नहीं थी, न हास उड़ाना था, सिर्फ भावना सवाल को टालने की थी। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, ऐसा मुझे मेरे से जो मेरे संदर्भ को गलत समझा गया, इसके अलावा कोई संदर्भ था। धन्यवाद। जीतू पटवारी ने मामला तूल पकड़ने के बाद भले ही खेद व्यक्त कर दिया हो लेकिन भाजपा उन्हें बख्शने के मूड में नहीं है। प्रदेश सरकार में मंत्री कृष्णा गौर ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि जीतू पटवारी द्वारा दिए गए बयान ने यह साबित कर दिया है कि कांग्रेस की मानसिकता महिला विरोधी है। कांग्रेस की डिक्शनरी में महिलाओं का अपमान करने वाले एक से बढ़कर एक शब्द हैं। इस देश में कांग्रेस पार्टी का होना ही दुर्भाग्य है। जीतू पटवारी को एक महिला का अपमान करने के लिए माफी मांगनी चाहिए। अगर उनका ऐसा स्टेटमेंट आया है तो उनको इतनी देर लगानी भी नहीं चाहिए थी। अगर कुछ गलती से मुंह से निकला था तो तत्काल माफ़ी मांगनी चाहिए थी। लेकिन जब पूरे प्रदेश में उनके बयान की घोर भर्सना हुई, घोर निंदा हुई, उसके दबाव में आकर वो इस प्रकार का काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।